गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है 14 जनवरी और कल का काम जो था हम लोगों ने किया, पूरे दिन में हम लोग सिर्फ एक कट्टा का लाइन लगा पाए। ये देखो, इतनी एक लाइन हम तीन लोगों ने मिलके लगा पाए, इसमें टोटल 28 कट्टे हैं। तो कल हम लोग ने 11:30 बजे सुबह स्टार्ट किया था और शाम को 6 बजे तक हमने किया। थोड़े ब्रेक्स भी लिए, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, ब्रेकफास्ट, टाइम पास वगैरह भी किया। ऑल दिस वाइल इतने पूरे टाइम के अंदर हम लोगों ने 28 कट्टे लगाए। और अब मैं आया हुआ हूँ अकेला फ़िलहाल। सुबह के 9:30 बज रहे हैं, हर तरफ धुंध है, हर तरफ अभी फॉग है और बहुत अच्छा मौसम है, तो मैंने सोचा कि चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी अकेला हूँ और ये कट्टे अभी मैं जचा रहा हूँ, मतलब पीट रहा हूँ उनको इस दुरमुट से। सो लेट्स सी आज के दिन में हम लोग कितने कट्टे लगा सकते हैं। और आज मैं कल हम लोग तीन लोग थे, आज शायद हम लोग चार लोग हो जाएंगे। तो चार लोग मिल के टोटल आज कितने कट्टे लगा सकते हैं, क्योंकि कल हमारा पहला दिन था। तो धीरे धीरे हम लोग अभी इम्प्रूव करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। लेट्स सी आज के दिन में हम लोग कितने कट्टे लगाते हैं। आई होप एटलीस्ट दो लाइन हम लोग लगा सकें, तो इट विल बी अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो देखते हैं, लेट्स सी। आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम सारे के सारे कट्टे एक साथ भर के रख देंगे और फिर उनको अंदर ले जाके ले कर देंगे और फिर उनको टैंप करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने कट्टों को थोड़ा कम भरा। पहले हम लोग एक कट्टे में 4 बाल्टी डाल रहे थे, तो आज हम लोगों ने हर कट्टे में 3 बाल्टियाँ डाली। जब सारे कट्टे भर गए, हमने ले जाके उनको अंदर रख दिया और फिर एक एक करके पहले वाले कट्टों के ऊपर हमने ले कर दिया। तो अब तक हम लोगों ने 2 लाइनें लगा दी है। ये हमारा फर्स्ट लाइन है जिसको कूट के हम लोगों ने जमा दिया है, और उसके बीच में आप देख सकते हैं ये कांटे वाली तार है, ये तार लगा दी है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने सेकेंड लाइन लगा दी है। आज हम लोग इसको कूटेंगे, जमाएंगे इसको। जमाने के बाद जैसे ये नीचे वाली लाइन है वो वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा अभी का टास्क। और आज हमारे साथ है कुलबीर सिंह है जो आज स्पेशली मेरे को हेल्प करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एक बार समझाता हूँ। आपको कट्टों को मिट्टी से भरना है, उसके बाद में आपको आपकी दीवार पर जो आपकी प्लिंथ है, जो आपका असार है, उसके ऊपर इन कट्टों को एक के पीछे एक बिछाना है। कट्टों का मुंह बांधने की जरूरत नहीं है, आप कट्टों का दोनों मुंह आपस में भिड़ा सकते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, और उसके बाद में जितने भी कट्टे हैं उनको आप उनके पीछे 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 लगा सकते हैं। इससे आपको कट्टे बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद जब आप पूरा का पूरा कट्टा एक लाइन में बिछा दें, उसके बाद आपको उनको कूटना है, मतलब टैंपर से उनको टैंप करना है। सारे के सारे कट्टों को एक बार पीट दो, उसके बाद उसके ऊपर लगती है कांटों की तार, मतलब दो साइड से ये कट्टों की तार जाती है पूरे के पूरे कट्टों के ऊपर से। फिर इनके ऊपर हम लोग जिस हिसाब से ईंट लगाते हैं, ईंट का तरीका जो होता है वही तरीका हमको यहाँ पे यूज करना है। बस दूसरे कट्टों की लाइन लगेगी, फिर उनको पीटा जाएगा और फिर उनके ऊपर कांटों की तार लगेगी, फिर तीसरी लाइन लगेगी कट्टों से, फिर उनको पीटा जाएगा और फिर लाइन लगेगी। इसी तरह से ये पूरी की पूरी दीवार हमारी बनती जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दोनों साइड में कांटों का तार लगाया कट्टों के ऊपर। ये देखो, ये कांटे का तार हमने लगाया है, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि जो कांटे के तार है उनको कट्टों के ऊपर से ऐसे लेके जाके उनको हथौड़े से मार दो। तो जो तार के जो निकले हुए हिस्से हैं, जैसे ये हिस्से हैं, ये हिस्से अंदर घुस जाएंगे और ये फिर वो टाइट बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर प्रभाकर ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला जो मुझे भी नहीं पता था। उसने क्या किया, जो तार के दोनों बाजू है, जो एंड्स हैं, उनको उसने टेढ़ा करवा दिया और फिर उसके अंदर ठुकवा दिया। तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइटली स्ट्रांगली बैठ गए। दिस इज प्रभाकर। हेलो, आई एम प्रभाकर। कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? इट्स वेरी वंडरफुल हाउस, सो आई वॉन्ट
I have never seen such a house before. Basically, मैं इनको इंग्लिश बोलना भी सिखा रहा हूँ, तो इसलिए इंग्लिश में बात करने की कोशिश भी कर रहा है. तो ये मेरा स्टूडेंट है, पिछले एक दो हफ्ते हो गए हम लोग को क्लास शुरू किए हुए. सो ये बहुत ही होनहार और बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है. और जिसने कैमरा पकड़ा हुआ ये है प्रभात. ये है प्रभात, ये भी आया हुआ है आज मेरी हेल्प करने के लिए. इसने भी कई कट्टे भरे हैं. ये गोपाल है, ये भी मेरा स्टूडेंट है. सो ऐसे विलेज के बहुत सारे किड्स, विलेज के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं मेरी हेल्प करने के लिए. दिस इज़ साक्षी, साक्षी भी कट्टे भरने के लिए हेल्प कर रही है. दिस इज़ कुल्ली दादा, ये मगरा सर का मेन डॉन है ये. तो यस.